माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। प्लस प्लस जुड़ता है तथा प्लस का चिन्ह उतरता है। प्लस प्लस जुड़ता है तथा प्लस का चिन्ह उतरता है। प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। हम लोग जानेंगे कि प्लस माइनस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, और माइनस प्लस भी घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। जैसे माइनस आठ प्लस चार बराबर, देखेंगे ये अंक के पहले माइनस का चिन्ह है और इसके पहले प्लस का चिन्ह है। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। यानी हम लोग इसको घटा देंगे, आठ में चार जाएगा तो क्या बच जाएगा, चार, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। बड़े अंक का चिन्ह, बड़ा अंक कौन है, आठ बड़ा है कि चार बड़ा है, देख रहे हैं कि अंक में आठ बड़ा है और आठ के पहले चिन्ह किसका है, माइनस का, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। अब देखते हैं माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, यानी माइनस आठ प्लस चार इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस चार। अब देखते हैं माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। माइनस आठ माइनस चार बराबर, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। तो आठ और चार को जोड़ देंगे, बारह हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका उतारेंगे, माइनस का, माइनस बारह हो जाएगा। अब देखते हैं प्लस माइनस घटता है तथा बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। जैसे दस माइनस पांच बराबर, तो दस में पांच घटाने पर कितना बचता है, पांच। प्लस माइनस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। बड़ा अंक कौन है, दस, दस के पहले चिन्ह किसका है, प्लस का, प्लस छिपा हुआ है तो प्लस यहाँ भी छिपा हुआ रहेगा, यानी इसमें माइनस नहीं लिखेंगे। अब प्लस प्लस जुड़ता है, जैसे दस जोड़ पांच, दोनों में प्लस का चिन्ह है, दस में भी प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, पांच में भी प्लस है, तो दस और पांच जोड़ देंगे कितना हो जाएगा,